हाय गाइस, मेरा नाम है राज दुबे और आप देख रहे हैं कोटा जानकारी चैनल। इस चैनल पर कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित जानकारी डाली जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट डीएलपी कौन सी है आपके लिए। चलिए इनफैक्ट मैं इस चीज को बहुत आसान कर देता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप खुद इस पॉइंट पर आ जाओगे कि बेस्ट डीएलपी आपके लिए कौन सी है। लेकिन अगर उस बात को आपको समझना है तो पहले आपको अंतर करना सीखना होगा कि किस तरीके से हम अंतर कर सकते हैं एक अच्छी डीएलपी और एक खराब डीएलपी के अंदर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि डीएलपी सबसे पहले होता क्या है। डीएलपी होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि एक स्टूडेंट को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एक कंपनी के द्वारा भेजा जाता है आपके घर पे, इसको कोरियर किया जाता है। उसमें आपके पास स्टडी मटेरियल होता है, ये बुक्स में भी होता है और वीडियोज में भी होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, कई जगह आपको बुक्स और वीडियो दोनों में मिल जाता है, कई जगह आपको केवल बुक्स में मिलता है। तो इस चीज को बोलते हैं डीएलपी, डिस्टेंस लर्निंग पैकेज। दो प्रकार के होते हैं ये, एक जिसमें आपको केवल बुक्स प्रोवाइड की जाती है जिसमें थ्योरी होती है, सॉल्व किए हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ एक प्रकार की डीएलपी ऐसी होती है कि उसमें आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और कई बार आपको बुक्स भी दे दी जाती हैं साथ में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर कोचिंग के द्वारा जिसने वो डीएलपी आपको इशू करी है। फिर आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के लॉग इन करके उस यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा वहां पर तरह तरह के फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। अब वो फैसिलिटीज कौन सी होती है वो आगे हमें इस वीडियो में पता पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि दोनों डीएलपी में से बेस्ट कौन सी है। अगर हम इस बात को निकाल लेते हैं तो एक हमारी चीज वैसे ही इलेमिनेट हो जाएगी और फिर हमारा जो कंफ्यूजन है वो बहुत कम दायरे में रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि बुक बेस्ड डीएलपी और वीडियो बेस्ड डीएलपी में से कौन सा बेहतर है, कौन से फायदे हैं जो हमें एक वीडियो बेस्ड डीएलपी में मिलते हैं या एक बुक बेस्ड डीएलपी में मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या नुकसान है दोनों के। पहला पॉइंट, अगर आप एक बुक बेस्ड डीएलपी ले रहे हैं तो उसमें आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं टीचर से, क्योंकि आपके पास बुक्स होगी, बुक्स में सारा कुछ लिखा रहता है थ्योरिकली, और थ्योरिकली अगर आपके पास लिखा है तो आप उसको पढ़ लीजिए चाहे जितने बार पढ़ लीजिए। लेकिन एक टीचर नहीं होता है तो टीचर की कमी हमें खास नजर आती है इस चीज में। उसके साथ साथ एक वीडियो बेस्ड डीएलपी में अगर हम बात करें, हमें कहीं डाउट आता है और किसी जगह पर हम अटक जाते हैं, तो जो वीडियो बेस्ड डीएलपी होती है अधिकतर ऐसी डीएलपीज में आपको डाउट पूछने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं आप। वहां पर डाउट आपको पहले तो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, फिर भी समझ नहीं आता है तो कई बार आपको टीचर्स भी उपलब्ध रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। क्यों है बहुत बड़ा? क्योंकि टीचर के द्वारा पढ़ने में बहुत अलग फील आता है और आप जब खुद से पढ़ते हो तो उसमें अलग होता है। वहां पर खुद से पढ़ने में हमें कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होता है, और अगर आप टीचर के से पढ़ रहे हो तो वहां पर एक श्योरिटी रहती है कि टीचर ने बोला है तो सही ही है ये चीज। वीडियो बेस्ड डीएलपी में आपको विजुअल्स मिलते हैं जिसमें वीडियो होती है, कई बार वो वीडियो में आपको लिख करके बताते हैं जो भी है, एक टीचर जैसा समझाता है। तो वहां पर विजुअल्स होने के कारण हमें चीज आसानी से समझ में आती है। ये साइंटिफिक तौर पर प्रूवन है कि जो विजुअल्स होते हैं हम उनको देख करके विजुअल ऑडियो चीजों को जल्दी चीजें समझ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स में ऑलमोस्ट थ्योरी होती है, थ्योरी के साथ साथ कुछ सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल होते हैं, तो उन एग्जाम्पल के द्वारा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब विजुअल्स और ऑडियो है, विजुअल्स और ऑडियो आपको जल्दी समझ आते हैं, जल्दी समझ आते हैं तो आप कम समय में ज्यादा बातें कर सकेंगे, बातों से मतलब ज्यादा चीजें सीख सकेंगे जो भी आपको टीचर वहां से पढ़ा रहा होगा। तो इस तरीके से आपका टाइम यहाँ पर बच जाता है। वहीं आपको 10-20% टाइम हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लग जाता है बुक बेस्ड डीएलपी में। अब जहां पर अगर आपके पास एक बुक है उसमें कुछ चीजें लिखी है तो आपको पढ़ने में पहले समय जाता है, और हमारे जो पढ़ने की जो चीजें वर्क करती हैं वो उसमें आपको पढ़ने के साथ साथ अगर इमेजिन होने लगा माइंड में, आपको तस्वीरें बनने लगी तो ठीक है, लेकिन नहीं बनती है अगर तस्वीरें तो आपका वो पढ़ना व्यर्थ है, आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। तो इसमें 2-3 बार हमें ऐसा होता है, इसलिए 20-30% का टाइम हमें बुक बेस्ड डीएलपी में अगर आप लेते हो तो वहां पर आपको ज्यादा लगेगा। अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो वीडियो बेस्ड अधिकतर डीएलपी में आपको ये ऑफर किया जाता है कि आप टीचर्स या तो आप वेबसाइट पे जाकर के वो पर्टिकुलर डाउट सेगमेंट पूछ लीजिए, या फिर जिस स्टेक के बाद आपको डाउट आया वो पूछ सकते हैं, और वहां पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे सबसे पहले। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप चैट कर सकते हैं टीचर्स से, उसके साथ साथ आपको टीचर्स की वीडियो कॉल भी प्रोवाइड की जाती है, कई
डीएलपीज में, तो तरह तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वहां पर। लेकिन अगर आप बात करें एक बुक बेस्ड डीएलपी है, तो वहां पर ये मुश्किल से कोई हो तो प्रोवाइड कराता हो, मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा। तो वहां पर आपको ये चीज की कमी साफ खलती है। कई जो डीएलपी कंपनियां होती हैं, जो डीएलपी कोचिंग होती हैं, वो आपको इतना अच्छा फॉर्मेट प्रोवाइड करती हैं टाइम टेबल का कि वहां पर आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर हम बात करें कि जो बुक वाली डीएलपी होती है, वो जब भी हमें अपना एक जो टाइम टेबल का फॉर्मेट भेजती है, वो एक पेपर पे होता है बेसिकली, कोर्स प्लानर जिसे हम कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक निश्चित डेट जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपको फिक्स कर दिया गया है। अब अगर आप, हो सकता है शुरू के 2 महीने उसके हिसाब से चल रहे हो, लेकिन सारे साल भर वो जैसा चाहता है वैसे तो नहीं पढ़ पाओगे। हो सकता है आपकी शादी आ गई, घर में आप 5 दिन कहीं शादी में चले गए हो, अब वो आपका जो टाइम टेबल था आप उससे डाउन द लाइन हो गए, वो टाइम टेबल के साथ नहीं चल रहे हो। तो अब यहाँ पर आप उस टाइम टेबल के साथ 5 दिन पिछड़ करके नहीं चल सकते, वो टोटली बेकार हो गया आगे का टाइम टेबल आपके लिए। लेकिन अगर बात करें हम एक कस्टमाइजेबल टाइम टेबल की, जो कि डीएलपी के साथ मिल सकता है, तो वहां पर आपको ये फायदा होता है कि अगर आपने एक टाइम टेबल, जैसे कि आपको अप्रैल से नहीं पढ़ना मई से पढ़ना, तो मई से आपने डेट सेट करी, मई से डेट सेट करने के बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका टाइम टेबल फॉलो होगा। अगर आपका कहीं ब्रेक लगता है, आप फिर से उस टाइम टेबल को बना सकते हैं, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है आप उसको चेंज कर लीजिए, तो आपका जो टाइम टेबल है आप उससे कभी भी ऑफ नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कोई पेपर बेस्ड कोर्स प्लानर है, तो वहां पर आप हो सकते हैं इस चीज। देखिए, जो जितने भी जो प्लेटफॉर्म रहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट हो जाती है अवेलेबल, और आप वहां पर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉग इन करेंगे, आपके पास एक कंप्लीट डैशबोर्ड होगा। उस डैशबोर्ड में आपके पास तरह तरह के ऑप्शंस होंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन हो गया कि आपको वहां पर आपका जो भी जितने भी डाउट पूछे आपने, कितने डाउट पिछले महीने निकले, कितने डाउट अभी निकले, इस तरीके की आप कंपेरिजन रिपोर्ट देख सकेंगे। उसके साथ साथ कितने और बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया, उनकी रैंक देख सकते हैं आप, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं वहां पर, और ये तरह तरह की चीजें आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ डाउट पूछ रहे हैं आपने इस महीने कितने डाउट पूछे, और आपकी डाउट के जो पूछने हैं कितने डाउट कम निकले इस महीने, इस तरीके का कंपेरिजन आपको कॉम्पिटिशन स्प्रिट बिल्ड करने में भी बहुत सहायता करता है। तो ये चीज वहां पर बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर आप बात करते हैं जहां पर हमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है। जितनी भी जो कंपनीज हैं, कोचिंग्स हैं, जो हमें बुक बेस्ड डीएलपी प्रोवाइड करती हैं, तो वहां पर कईयों में हमें ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिल जाती है। हाँ, बहुत सारे जो डीएलपीज होती हैं बुक बेस्ड, वो आपको यूजर आईडी और ये पासवर्ड के द्वारा लॉग इन करके मॉक टेस्ट देने की सहायता करती है, उसके साथ साथ थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं आपको, लेकिन हो सकता है आपको उतना डिटेल्ड में ना मिले, अधिकतर में नहीं मिलता है आपको। अगर मेरे पास एक कंप्लीट बुक का पैकेज है, तो उसमें करीबन 20-25 बुक्स होगी, मतलब इतना मोटा हो जाएगा करीबन जो एवरेज हाइट है इतना, और वो काफी भारी होता है। अब अगर मुझे किसी टाइम पर अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ वेकेशन पर मुझे थोड़ा सा समय मिलता है, वहां पर मैं पढ़ सकता हूँ, तो वहां पर मैं इतनी सारी बुक्स कैरी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा वो टाइम बेकार गया। लेकिन अगर जो वीडियो बेस्ड डीएलपी होती है, वो अधिकतर आपको पेनड्राइव में मिलती है। अब पेनड्राइव में मिलती हैं आपको, तो आप पेनड्राइव ले जा करके वहां पर लगा लीजिए। पेनड्राइव लगा लेंगे, आपका 3 या 4 पेनड्राइव होंगी आपके पास, इतनी भी छोटी सी, आप उनको एक पाउच में कैरी कर सकते हैं, आप उनको अपने जेब में कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, आप उनको अपने ओटीजी के थ्रू मोबाइल में लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप उनके जरिए उनको बाहर किसी दूसरे शहर में या पार्क में, आपका कभी घर में मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पार्क गए, पार्क में आपने पढ़ लिया, स्टेशन पे बैठे आप स्टेशन पे पढ़ लिया, तरह तरह के ऑप्शन आपके अवेलेबल है। लेकिन बुक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बुक्स पे आपको एक सीमित जगह पर रह करके पढ़ना होगा। चलिए, ये तो हुए पॉइंट्स। अब आप बहुत देर से इस चीज के बारे में सोच रहे होंगे कि बेस्ट डीएलपी कौन सी है भैया, ये तो बता। तो देखो, बेस्ट डीएलपी के अंदर मैंने 2 आपको प्रकार बताए। तो ये जो बुक बेस्ड है, अभी आपने देखा बुक बेस्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कौन से हैं जो कि जो आपको हानि पहुंचा, मतलब हानि है आपके लिए, तो बेहतर क्या होगा, तो बुक्स बेस्ड तो आप छोड़ ही दीजिए। बुक बेस्ड मैं भी आपको ये बोलूंगा कि मत लीजिए, आप खुद भी लग रहा होगा बुक लेने में कोई अच्छी बात नहीं है। अब बात आती है वीडियो बेस्ड डीएलपी अगर बेहतर है, तो उसमें से भी कौन सी है। देखिए, हर स्टूडेंट का जो प्राइस सेगमेंट है, जो बजट है, वो अलग अलग है। अब आप, हो सकता है अच्छे पैसे खर्च कर सकते हो 70-80 हजार, तो उस हिसाब से जो बेस्ट डीएलपी आपको लगती है आप वो खरीद सकते हो। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास सपोज करिए 10-25 हजार के बीच में है, तो आपके लिए अलग डीएलपीज मिलती हैं, मतलब जो आप अफोर्ड कर सकते हो ऐसी होती है। तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा हर प्रकार के डीएलपीज में, लेकिन आपको जाना है सबसे पहले अपने
कि आपके पास बजट कितना है उस हिसाब से। अब बात करता हूँ मैं, अगर हायर बजट है आपका तो बायजूस हो गया जो कि बहुत फेमस है, आप सब जानते हो, तो आप उसके लिए जा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके तरफ जाते होंगे, जो मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो जरूर जाते हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग होते हैं वो इतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, और स्पेशली एक वीडियो बेस्ड प्रोग्राम पे। तो आपके लिए जो आपका प्राइस सेगमेंट है उसमें बहुत सारे डीएलपीज होते हैं, जैसे कि केसेंस हो गया, इडोज हो गया, और भी बहुत सारे हैं, एक एंट्रेंस करके हैं, ये सारे जो डीएलपीज हैं आप वो कर सकते हैं। फिलहाल जैसे मैंने अभी केसेंस का देखा है, तो मुझे केसेंस का अभी बहुत नॉलेज है, उसमें किस तरीके से आपको पूरा एनालिटिक्स मिलता है, कैसी वीडियोज होती है, उसके साथ आपको बुक्स भी मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैं उसको जो उस प्राइस रेंज में है मेरे पास वो है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर आपकी नॉलेज के हिसाब से कोई अच्छा लगता है उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आप समझ चुके होंगे कि कितना अंतर रहता है वीडियो बेस्ड डीएलपी में और इस तरीके की डीएलपी में। और अब जब अंतर आपका साफ हो चुका है तो आप इस पॉइंट पर आ चुके होंगे कि कौन सा डीएलपी आपको लेना है, कौन सा डीएलपी आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके बजट में हो, बजट में होने के साथ साथ जिसमें आपको ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हो, और जैसा आपका फिर विवेक कहे। आखिरकार आपको लेना है, आपकी मर्जी है। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपके लिए बेस्ट डीएलपी कौन सा है, आप किस डीएलपी को प्रेफर करते हैं।